नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज ठाकुर और आप देख रहे हैं पैंकी म्यूजिक चैनल। और आज के ट्यूटोरियल में आपको मैं हेल्प करने वाला हूँ, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ एबल्टन लाइव के अंदर। तो इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप सब में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि आपको म्यूज़िक बनाना सीखने के लिए कोई एक महंगा VST खरीदना ही पड़ेगा या आपको महंगे महंगे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर राइट वो यही सोचते हैं, और आप में से भी बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए म्यूज़िक बनाना शुरू करने के लिए। मैंने अपने जब ये सीरीज शुरू की थी तो उसमें मैंने बताया था कि इनिशियली आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो एबल्टन लाइव की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर इनबिल्ट अगर मैं साउंड आपको बताऊं तो n नंबर ऑफ साउंड दिए गए हैं, और अगर उनकी आप सेटिंग्स में जाएं तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी साउंड या ऐसी कोई भी ना आवाज़ नहीं है जो आप नहीं बना पाएं अपने म्यूज़िक के लिए। बट प्रोवाइडेड आपके मन में जो है वो जो ट्रैक है उसकी एक इमेज या उसका एक ना स्वरूप होना चाहिए कि आपको बनाना क्या है, क्योंकि अगर आप रैंडमली साउंड्स को लेके बैठेंगे फिर आप उनसे उनकी सेटिंग को ट्विक करेंगे और फिर आप सोचेंगे कि मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा मिल जाए, तो वो एक बहुत टीडियस प्रोसेस है, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। तो ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम जो है लोग वेस्ट करते हैं। तो मेरा ये मानना ये है कि आप सबसे पहले अपने सॉन्ग को बनाइए, आपको आप पहले अपने मन में उसको विजुलाइज कीजिए कि आपको बनाना क्या है, ठीक है। तो जब आपके पास उसको आपके पास एक आइडिया होता है कि यार मुझे ये चीज़ बनानी है और ऐसे ऐसे साउंड जो हैं वो इसके साथ कंपैटिबल होंगे और अच्छे लगेंगे, तो फिर तब आप बनाना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप पहले रैंडमली साउंड्स को लेकर बैठ गए और फिर आप उनके साथ ट्विकिंग कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूँ VSTs की। जी हाँ, VSTs जो होते हैं वो थर्ड पार्टी प्लगइन्स होते हैं जो कि किसी भी DAW के साथ काम करते हैं। DAW मतलब डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन, नॉर्मल टर्म्स में हम इसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे एबल्टन लाइव एक सॉफ्टवेयर है, जो लोग एप्पल यूज़ करते हैं उनके लिए गैरेज बैंड एक सॉफ्टवेयर है, क्यूबेस एक सॉफ्टवेयर है, फ्रूटी लूप्स एक सॉफ्टवेयर है, तो वो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम DAW बोलते हैं। तो VSTs की जब मैं बात कर रहा हूँ तो VSTs ऐसे प्लगइन्स होते हैं जो बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं और उसके अंदर कस्टम साउंड्स आते हैं। वो जो साउंड्स होते हैं वो साउंड्स नॉर्मली आपको अपने एबल्टन के अंदर नहीं मिलते, मतलब अगर सिंथेसाइजर की या ना ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करें, आजकल तो डिजिटल म्यूज़िक इतना पॉपुलर हो रहा है कि नए नए सिंथ के साउंड्स आ रहे हैं ना, इवन क्लासिकल की भी बात करें तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, तो ये बहुत कन्वीनियंट होता है कि हम एक प्लगइन डाउनलोड कर लें और उसके अंदर हमें मे बी 500, 1000, 2000 साउंड्स ईजीली मिल जाते हैं। हमें सिर्फ उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं उनको और उसके साथ हम अपना म्यूज़िक बनाना शुरू कर सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको जो प्लगइन बताने वाला हूँ वो एकदम फ्री है, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने आज तक जितना भी म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है, मैंने सॉफ्टवेयर्स जो सॉफ्टवेयर्स मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं उनको उनके अलावा मैंने कोई भी थर्ड पार्टी VST प्लगइन आज तक परचेज नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं जो है प्रेफर करता हूँ कि मैं फ्री प्लगइन्स को यूज़ करके और उनके जो साउंड्स हैं उनमें कुछ ना ट्वीक्स करके मैं कुछ चीज़ क्रिएटिव जो है बना पाऊँ। तो मैं शायद अपने आप को उस लेवल पर भी नहीं मानता कि मुझे वो महंगे महंगे प्लगइन्स करने की भी ज़रूरत है। तो जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए क्विकली उससे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि VSTs हैं वो एबल्टन के अंदर किस तरह से इंस्टॉल्ड होते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, और मैं आपको एक अपना जो फेवरेट VST प्लगइन है उसका भी लिंक दूंगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड इट, इंस्टॉल इट, यूज़ इट, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये प्लगइन कैसा लगा। और मेरे हिसाब से इसके अंदर n नंबर ऑफ साउंड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैंने अपने सिस्टम पर खोला हुआ है एबल्टन लाइव। तो मैं आपको एक बार क्विकली दिखा देता हूँ कि VST प्लगइन्स की जो लोकेशन होती है वो कहाँ पर इंस्टॉल होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप किसी VST प्लगइन को यूज़ करते हैं, जब उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके डिफ़ॉल्ट लोकेशन के अंदर जाता है जहाँ पर आपका एबल्टन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, मगर आप उसकी लोकेशन को कस्टम भी कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया हुआ है। उसके लिए मैं जाऊँगा अपने ऑप्शंस में ऑन द टॉप, और उसके बाद मैंने क्लिक किया प्रेफरेंसेस पर।
उसके बाद मैं आऊँगा इस फोर्थ ऑप्शन पर, यहाँ पर फाइल फोल्डर ऑप्शन पे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे मुझे प्लगइन्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है बटन के अंदर। ये जो ऑप्शन है ये मुझे इनेबल करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका ऑप्शन ऑफ है तो आपको इसे ऑन करना पड़ेगा ताकि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो VST प्लगइन्स को रिकॉग्नाइज कर पाए, ठीक है। तो मैंने अभी इसको ऑफ किया था, इसको मैं इनेबल किया है और लेट्स सी, आई थिंक ये थोड़ा टाइम लेगा। तो मेरी सेटिंग दोबारा से इनेबल यहाँ पर हो गई है। उसके बाद इसके नीचे ही आप देखेंगे तो एक VST प्लगइन का जो कस्टम फोल्डर है उसकी आपको लोकेशन दी हुई है। तो नॉर्मली जो लोकेशन होती है वो आपकी सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स और Ableton Live एंड देन प्लगइन्स का जो फोल्डर होता है उसके अंदर जाती है, बट इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी और ड्राइव के अंदर अपना प्लगइन इंस्टॉल करना है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। मैंने चूज़ किया हुआ है मेरा डी ड्राइव, तो इसको मैं ब्राउज करके दिखाऊँ तो डी ड्राइव के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है प्लगइन्स का, YouTube Projects एंड Ableton Live के अंदर मैंने ये जो है अपना फोल्डर बनाया हुआ है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल करता हूँ, मुझे पता है कि जो मेरे प्लगइन की जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो क्या है, तो मैंने उसको यहाँ पर चूज़ कर लिया। तो पहली चीज़ तो आपको ये करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जब प्लगइन इंस्टॉल करना है तो उस समय इंस्टॉलेशन के टाइम पर आप सिर्फ इसकी लोकेशन चेंज कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि सी ड्राइव जो उसका डिफ़ॉल्ट पाथ होता है आप उसको ना चूज़ करके अपना कॉमन फोल्डर बनाइए, किसी भी ड्राइव में सी ड्राइव में बना सकते हैं, और उस पाथ को चूज़ करिए और उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। प्लगइन्स में जब हम जाएंगे तो आप देखिए अपने लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर एक प्लगइन्स का ऑप्शन है एबल्टन के अंदर। मैं क्लिक करूँगा इस प्लगइन के ऑप्शन पर, और उसके बाद यहाँ पर जितने भी ये प्लगइन्स आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं जो मैंने डाउनलोड किए हुए हैं इंटरनेट से। मैंने बहुत सारी रिसर्च की है इनके ऊपर और उसके बाद ही मैंने इंस्टॉल किया है, तो मैं अपना मैक्सिमम म्यूजिक जो है मैं इन प्लगइन से बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक प्लगइन बताऊँगा जो कि माई पर्सनल फेवरेट, और आप इसको डाउनलोड कीजिए और इसके अंदर जो जो साउंड्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, आई एम श्योर यू विल लाइक इट, ठीक है। तो जिस प्लगइन की मैं बात कर रहा हूँ वो है यहाँ पर ट्राइल N6, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस प्लगइन को यूज़ करके मैं आपको इसको बता देता हूँ कि इसका जो साउंड है वो किस तरह से आता है। तो सबसे पहले मैं इसको करूँगा मिनिमाइज, अब उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड पर हिट करूँगा टैब, और मैं आ जाऊँगा अपने इस वाले व्यू में। उसके बाद यहाँ से मुझे सबसे पहले जो हम ट्रैक क्रिएट करते हैं वो ऑलवेज वी स्टार्ट विद द मिडी ट्रैक, तो मैं सारे ऑडियो ट्रैक्स को कर दूंगा डिलीट। इसको कर दिया मैंने मिनिमाइज ताकि आपको इजीली दिखता रहे। अब यहाँ से मैंने इस पोर्शन को किया सेलेक्ट, लेट्स से यहाँ पर किया मैंने राइट क्लिक और इंसर्ट मिडी क्लिप, ये मेरी एक नई मिडी क्लिप इंसर्ट हो गई। अब इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर करूँगा लूप सेलेक्शन, ताकि इतना पोर्शन जो है वो सेलेक्ट हो गया। अब मैं कुछ भी चीज़ प्ले करूँगा वो सिर्फ इसी लूप के अंदर प्ले होगी, वो यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक जाएगा, देन अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मुझे इनेबल करना पड़ेगा रिकॉर्ड, ठीक है। इसको अगर मुझे कुछ भी चीज़ यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है तो आई नीड टू इनेबल दिस ट्रैक फॉर रिकॉर्डिंग, और उसके लिए मैं जाऊँगा राइट हैंड साइड में बिल्कुल जाइए और यहाँ पर ये छोटा सा बटन है इसको आपको करना पड़ेगा इनेबल, और उसके बाद ये आपका ट्रैक जो है वो रिकॉर्डिंग के लिए इनेबल्ड है। अगर यहाँ पर इसके साथ में जो आप ऑप्शन देख रहे हैं वो है सोलो, तो सोलो का मतलब है अगर यहाँ पर आपके पास 5 या 6 ट्रैक्स हैं जिनमें आप काम कर रहे हैं और आप सिर्फ इसी की आवाज़ सुनना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या साउंड्स हैं, इसके अंदर क्या आपने मेलोडी बनाई है, तो आप सोलो पे क्लिक कर दीजिए, सिर्फ इसी साउंड इसी ट्रैक का जो साउंड आपको आएगा। तो इसको फ़िलहाल मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ऑप्शन है ये इस ट्रैक के इनेबल या डिसेबल का है। तो अगर आप इसका जैसे सेम वही बात कि अगर आपके पास 5-6 ट्रैक्स हैं और आप सबको एक साथ प्ले करना चाहते हैं बट इसका साउंड आप नहीं चाहते कि प्ले हो उनके साथ किसी भी रीज़न के लिए, तो आप इसको यहाँ से अनचेक कर दीजिए और ये साउंड जो है उसका ये ट्रैक प्ले नहीं होगा, ये प्ले हो रहा होगा बट इसका साउंड नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसको इनेबल कर लेते हैं। तो चलिए क्विकली देखते हैं कि उस प्लगइन को यूज़ करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस मिडी क्लिप के ऊपर करूँगा डबल क्लिक। अब मैं इसके अंदर आ गया पियानो रोल के अंदर, इसको आप अपने साइज़ के हिसाब से कन्वीनियंस के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए जितना आपको उसका साइज़ बेटर लगता है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर हेडफोन का बटन आपको दिख रहा होगा छोटा सा, इसको आपको करना पड़ेगा इनेबल ताकि यहाँ पर जो साउंड्स हैं इनके ऊपर वो प्ले हों। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं है क्योंकि ये टोटली ब्लैंक है, इसके अंदर मैंने कुछ भी इंस्ट्रूमेंट असाइन नहीं किया है। तो क्योंकि हम प्लगइन की बात कर रहे थे तो मैं अपने प्लगइन को यहाँ पर
अब इसको यूज़ करूँगा, तो मेरे को जाना है प्लगइन में, अपने प्लगइन को सिलेक्ट करूँगा ट्रायल एंड सिक्स, और इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर, ठीक है, इस ट्रैक के ऊपर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, और उसके बाद ये प्लगइन मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसको मैं एक बार पहले क्लोज़ कर देता हूँ, इन सबको मिनिमाइज़ कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए, ये प्लगइन जो है इसके टास्क पेन में आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा मतलब इसको कोई भी इंस्ट्रूमेंट असाइन नहीं है। तो अगेन मैं इसको करूँगा मिनिमाइज़। अब इसके अंदर मैं जाऊँगा तो अब आप देखेंगे कि आपको शायद साउंड सुनाई देंगे यहाँ पर, देखा, तो यहाँ पर अब मुझे साउंड आने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब मुझे करना क्या है कि सबसे पहले मुझे एक चूज़ करना है कोई साउंड जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ, जिसको यूज़ करके मैं जो है मेलोडी बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम जाएंगे इस प्लगइन के अंदर, इसके अंदर इसको आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग्स, एक छोटा सा नॉब दिया हुआ है, इस नॉब पे आप क्लिक कीजिए और इस प्लगइन की सेटिंग्स आपके सामने खुल के आ जाती हैं। अब अपना साउंड आप चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉप पर देखिए आप, इसके बाद जो छोटा सा डिस्प्ले दिया हुआ है इसके अंदर आपका साउंड का नाम है और बहुत सारे हैं, मगर आप इसको जैसे आगे या पीछे करके इसके साउंड को भी चूज़ कर सकते हैं इस तरह से। इनको अगर मैं प्ले करके दिखाऊं तो ठीक है, बट अगर आप लिस्ट को देखना चाहते हैं तो इसके जस्ट ऊपर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रीसेट्स, आप प्रीसेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सारे इसके जो साउंड्स हैं वो दिखा देगा। आई थिंक यहाँ से आप जाइए, इतने सारे साउंड्स, ये 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 ये, 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 ये। तो मेरे हिसाब से कम नहीं तो इसमें 500 से 400 से 500 साउंड्स होंगे मिनिमम, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली में कितने हैं। तो इनको आप इनके ऊपर आप एक बार देखिए कि आपको कौन सा साउंड अच्छा लग रहा है और आप किसको यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ और मैंने इसको कर दिया कैंसिल। अब ये साउंड है, अब इस साउंड को प्रोड्यूस कैसे कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने कीबोर्ड के ऊपर बटन्स को प्रेस कर रहा हूँ और ये साउंड जो है वो आ रहा है। मैंने अभी कोई भी मिडी कीबोर्ड अपने एबल्टन लाइव के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो ठीक है, उसके बाद बहुत सिंपल है, जब आपने इतना कर लिया उसके बाद आपको सिर्फ करना है इसके ऊपर डबल क्लिक, आप अपना मेट्रोनोम सेट कर लीजिए। सपोज़ कीजिए कि आपको 120 BPM पर ही सॉन्ग बनाना है, उसके बाद ये आपका मेट्रोनोम है, इसको आप इनेबल कीजिए और उसके बाद आपको बस क्लिक करना है इस प्ले बटन पर। तो आपका मेट्रोनोम भी चल रहा है। चलिए हम इस क्लिप को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम एक ट्यून जो है इसमें बना पाएँ, कुछ भी एक रैंडमली, जस्ट टू शो यू। ठीक है, ये मैंने कर लिया और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ले आऊँगा। ठीक है, तो ये अब रिपीट होने लग गया है और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा अभी यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ और ये साउंड जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इसमें एक अच्छी बात क्या है कि जब आपने एक बार ये पैटर्न बना लिया तो अब आप दोबारा उस प्लगइन पर जाइए और आप साउंड्स को चेंज करते रहिए और देखिए कि किस पे ज़्यादा वो चीज़ सूट कर रही है। जैसे ये अच्छा नहीं लगा मुझे, मैंने चेंज किया, फिर चेंज किया, फिर चेंज किया, तो इस तरह से जो है आप अपने साउंड्स को चूज़ कीजिए और आप देखिए कि आपके रिक्वायरमेंट को क्या है जो सूट कर पा रहा है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि आपको महंगे प्लगइन्स की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी चीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो जाए पूरी तरह से म्यूज़िक बनाने का। तो आप यूज़ कीजिए इन टिप्स एंड ट्रिक्स को, आप डाउनलोड कीजिए इस प्लगइन को जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और उसके बाद इसको आप देखिए कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और मुझे इसके बारे में बताइए ज़रूर कि आपको ये जो है वो प्लगइन कैसा लगा। और मैं ऐसे और भी मेरे पास जो प्लगइन्स हैं मैं इंस्टॉल करता रहता हूँ, उनके ऊपर मैं R&D करता रहता हूँ, तो उनकी भी मैं आपको डिटेल्स दूंगा आने वाले मेरे वीडियो में। और आज के लिए सिर्फ मैं इतना बताना चाहता था कि VSTs एक्चुअली में होते क्या हैं और आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी नो पेमेंट के। तो
आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू VSTs, आपको कोई भी चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आई हो इस वीडियो में, आप बिल्कुल फ्री होकर मुझे कमेंट कीजिए, ईमेल कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूं, अपनी नॉलेज शेयर करता रहूं। एक चीज़ और दोस्तों, मैं इस चैनल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिक्स करता हूँ, लाइक कभी कभी ट्यूटोरियल्स भी बनाता हूँ मैं, फिर म्यूज़िक वीडियोज़ का भी कुछ जो प्रोमोज़ हैं वो मैं डालता रहता हूँ। मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसके ऊपर मैं अपना जो पूरा प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को बनाकर, तो जो पूरा सॉन्ग मैं बनाता हूँ उस कंप्लीट सॉन्ग को मैं इस चैनल पर ना डाल के मैं दूसरे चैनल पर पब्लिश करता हूँ, ताकि जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सेपरेट रहें। यहाँ पर सिर्फ ट्यूटोरियल्स मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। उस चैनल पर सिर्फ म्यूज़िक रिलेटेड चीज़ें हैं, आपको सिर्फ पूरा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल का नाम है डाइल्यूटेड म्यूज़िक, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो। सो टिल देन टेक केयर और आई सी यू सून, गुड बाय।